हेलो अंपू वाले चचा बचा लो, मनु आवा मेरे घर में, उसको दिमाग पलट दियो, बचा लो अंपू वाले चचा। अंदर देखिए धर्राएं से काट रही है अंपू। ले भैया अंपू। अरे भैया आगे लग रो, आज तो गाना तोड़ देंगे। ओ मनुआ कहाँ है तू? आए तूने मेरी पूरे गांव में बेइज्जती करा दी। मेरे कहूँ को ना छोड़ो और गांव में जे बात और करवानी की जो तो छिंदरा को भैया आए जे पंचायत करेंगे ये का देंगे हमें। मनुआ ओ मनुआ बैठे बताओ उसके भैया और जवाब दो का जाएगा जा बता तू रोको पहले माफ कर दो माफ कर दो तो को चल उठा बैठ के लगा पांच लगा जाते को भूत बातों से मानते ना है अब मेरे जस नारिस को भैया आओ कल्लू को थोड़ा समय कैसे कर जवाब काम ना करो पूरे गांव मेरी बेइज्जती करा दी लोग जा कहना तू तो छिंदरा तू छिंदरा भैया तो वहां पंचायत हमें सिखाना मेरी गांड तक तोड़ गई कल हमें बहुत दर्द हुई रहा अभी टैबलेट ली मेडिकल के ये बता फिर ये काम सही है जो तेरे काम सब लौड़िया लेकर भगा रहे हैं बहुत भगा ले गलती है मुझसे गलती है तो तुमने मारता लो मार लो हमने बॉस को भैया बात हो बारात में से आज आज आने बार हो उसको भैया बारात में सब देखो उससे का जवाब दे जेल करवा दे जेल तुम देख लियो मैं तो देख ही लूँगा जो कुछ देख रहा हूँ और देख रहा हूँ इससे आगे क्या कर सकते बताओ तुमने बेइज्जती करा इतने दिन के बाद आऊँ बारात में आज जब कल्लू ना करो कहा मुनुआ के घर जा रहा हूँ रुक आज मुनुआ के लिए सही कर दूँगा जाके ना मुनुआ को सही कर दूँ आज लठैत बचाऊ लठैत बाहर लेकर जो तो लग रही कल्लू को भैया बोल लो तो समझा के देखा हूँ अरे कहीं कहीं पढ़ लो ओह नो मामले भेज दो से कौन दूर हाँ जी भेज दो बहुत दूर भेज दो उससे जरा बात करने में ले अरे बात उसकी छोड़ जा बता तू खर्चा ले ले दे के हाँ ला दे 1500 रुपया दे 1500 रुपये अपना फोन पे नंबर बता दे तेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा हाँ डाल दिए और बात सुन लो हाँ आपको पैसे भी करना थी हाँ वो तो बात सही रही तो पड़ोसी का तो कैसी बातें कर रहा है अरे तो सही है आप तो हाथ ही मिला लियो अच्छा बारात बैसू करानी थी और बैसी भी हुई फायदा ही फायदा है और तो कुछ ना यार 4 लाख रुपए बच गए मजा आएगी अब तो मौज करूँ मजा आएगा शाम को आज भैया से बात की बात होगी बहुत बंटवारे की बात होगी आज कल्लू को सवाल है चाहे भैया रूठ जाए चाहे अम्मा बाप रूठ जाए डर जा है सिर्फ बेहरुआ ना छूट जाए भैया भैया कहाँ हो कहाँ भैया तुम आज बात होगी आज बात की हुई बात oh, no. अलग की बात कहाँ है मोहलक कर दो तुम अलग कर दो अलग हो चार हो कौन कह रहा तुम अलग घूमते कोई ना कह रहा मैं कह रहा हूँ तू कह रहा हूँ अलग हूँ मैं तो बात सुन ले हाँ जो हम तेरे अलग में देंगे तो लेने पड़ेगा हाँ बताओ लेंगे अगर ज्यादा उछल कूद करी ना खेल ले तेरी बहू को घर से बाहर निकाल दूंगा हाँ कर दो हिस्सा बांट क्या अपनी हाँ 12 बीघा खेत है आए। और 12 बीघा ईख है आए। आए। हिस्सा जो मैं काम को बोलते हिस्सा लेने पड़ेगा सही है और ज्यादा उछल कूद करी ना हाँ तो तुम दोनों को बाहर फेंकूंगा घर से निकाल के सही है हाँ। जो मैं लूंगो पाऊंगो बह तुम्हें लेने पड़ेगा ठीक है बहसी अगले चल मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हिस्सा ले
क्या है ठीक है। अरे सही है, अब तो तुम्हारा रंग में ऐसे गले में घंटी बांध बहुत सो कुछ करिए, पीछे हमारा हिस्सा है। चलो सही है ठीक है, वो खेत है, वो खेत में समझ लिया। जो बाजरे तेरे जितू है घास पूरा हाँ सब तेरू है ठीक है। वो 10 बीघा मेरे जो खेत है गेहूँ को वो मेरु है ठीक है। सही है सब तेरी है ठीक है। और जो 10 बीघा में जो खेत है 12 बीघा में अपने 10-12 बीघा में वो और खेत मेरु है ठीक है। इसमें गेहूँ होते धान होते और गन्ना जो तेरू है गन्ना सुन ले कैसे जो गन्ना है ठीक है। जो ऊपर अगौला है जो तेरू है ऊपर को अगौला नीचे को जो है वो मेरु है सही है। समझ रहे हो उसका कोई बेमानी तो ना है। चलो बात कर ली अब तो कर लो कहीं खुश हो जाई। हाय लेयो अलग की बात करते हैं। अलग करके आयो हाँ हाँ करे आओ बाबा बात तो सुन तो बात करके अलग की करे आओ मैं बात तो बात कर क्या कहने का हिस्सा ना हो तो समीज मिल जाए ना है। अरे समीज ही कह रही है हाँ बताओ ये भैंसिया अपनी बाकू आगे हिस्सा मान लो। मैं सोची भाई तुम्हार आगे घंटी बांधूंगा गले में। भैंसिया पीछे क्यों ना दे रही आगे की तुमने दे रही खबाओ तुम दूध बेदू है इसके आने को बेदू प्या मैं मेरे घर से जा रहा हूँ पानी मैं प्या हूँ। अरे मैंने जहाँ सोची है ना मैं सोची आगे हिस्सा ले रहा हूँ भैंसिया को तो वो त्योहार आ रहा हो बाकी गले में घंटी बांधूंगो और रखा बांधूंगो और क्रीम उम लगाऊंगा उसका गोली कराऊंगा भैंसिया को अपनी मैं चाहे गलती। चली तुमने ले गई धान को खेत उनको पूरे दे दो खवाबो तुम दूध बेचे दूध बेटी है जिसके धान को बेदू प्या मैं मेरे घर से जा रहा हूँ पानी मैं प्या हूँ। अरे चली मैंने इस्तेमाल डाली मैंने सोची भैंसियों को बात रहा और जब पता ना कि धान खाते हैं सब लोग चाहे भूल गो मैं ऊपर की बाली ऊंची है मर रहा तुम्हारा है तुम्हारा कहाँ दिमाग है तुमने हिस्सा बंटवारा करो। अरे गेहूँ मैंने सोची है ना मैंने कि नरई को भूसा बनवाऊंगा मैं भूसा महंगो बिकाऊ जब पता ना गेहूँ खा जाते हैं बेचे जाते हैं जहे भूल गो मैं। तुमने गन्ना लो भाई गन्ना तो खाया निकले थे अगौला तुम्हारो रस बेटी है गन्ना दे बेचे। अरे मैंने सोची तो अगौला है वो बेचूंगा मैं तो मैं रुपया ले लूंगा वो पता ही ना है कि गन्ना महंगा बिकता है उससे चाहे गलती ही गई मैं हर दिन बना रहूंगी तुम्हें तमीज भी है ऐसा करवान किया और कह रहे तू मैं बहुत वो हूँ मैं बहुत पढ़ाई कर लेते कम कम आज जो देखते ना मैं तो। हमारा पार्ट 4 आपको कैसा लगा पार्ट नंबर 4 कैसा लगा भाई लोगों आपको। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। आप कितने भी गरीब हो मेहनत करो मजदूरी करो पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इनके साथ में क्या हुआ अभी मेरे साथ में कैसा हुआ अगर मैं पढ़ा लिखा होता वीडियो में तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। इसीलिए जब पढ़े लिखे होगे तो आपको बोलने की अच्छी नॉलेज होगी तो आप सब काम कर सकते हो कहीं भी मजदूरी आपको मिल सकती है। पति पति का मेल जब तक अगर अनपढ़ बीवी है और पति पढ़ा लिखा है फिर भी उसका मेल नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं अगर जैसा आपका लड़का है आपको उसी टाइप की लड़की उसको दिलाना चाहिए। इसलिए आपका अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।